अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नाज़ फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ बिल्कुल अनोखे अंदाज़ में पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिना आटा गूंधे। तो चलिए शुरू करते हैं एग पराठा बनाने की रेसिपी। एग पराठा बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं जिसे बीट कर लिए हैं, आधा कप आटा लिया है और आधा कप मैदा लिया है, 1 कप दूध लिया है, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है इसे महीन कट कर लिया है, 1 शिमला मिर्च ली है इसे भी महीन कट कर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया है इसे भी महीन कट कर लिया है, और ये 2 हरी मिर्च है इसे भी महीन कट कर ली है, 1 चम्मच देसी घी है, इसकी जगह आप तेल या बटर भी डाल सकते हैं। अब पराठे का बैटर तैयार कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। बैटर बनाने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें आटा डालेंगे, फिर ये मैदा ऐड करेंगे उसी में, अब ये कुटी लाल मिर्च और नमक डाल देंगे, अब इसी में अंडा डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएंगी सब्जियां, टमाटर, शिमला मिर्च, हरा धनिया और ये हरी मिर्च। अब इसमें ये 1 टीस्पून ये घी जाएगा, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे दूध डाल के थोड़ा थोड़ा इसे मिक्स करेंगे। और दूध डालेंगे, इसका हमें एक थिक बैटर तैयार करना है। बैटर मेरा गाढ़ा है, इसमें आधा कप दूध और ऐड करेंगे, टोटल मैंने 1.5 कप इसमें दूध ऐड किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखना है। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं, और अगर पतला हो जाता है उसमें थोड़ा मैदा या आटा मिला सकते हैं। अब चलते हैं पराठा बनाने। पराठा बनाने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे, देसी घी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून घी डाला। पैन गरम हो गया है, अब इसमें जो बैटर तैयार किया था उसमें डालेंगे। हाई फ्लेम पे से बनाना है। अब फ्लेम लो कर देंगे, लो करके ऐसे बनाएंगे ताकि अंदर तक खूब सेक जाए पराठा। इसे लो फ्लेम पे कवर करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1-2 मिनट इसे कवर करके सेका है और 1-2 मिनट इसे खोल के सेकेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखना है। इस तरीके से वाइट स्पॉट आ गए हैं इसमें, अब हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ से सेकेंगे। दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह से सिक गया है, बहुत अच्छा कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे। फिर उसी तरीके से थोड़ा घी डालेंगे और बैटर डालेंगे इसमें। अब 1-2 मिनट के लिए कवर कर देंगे इसे। ये
एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है, अब दूसरी तरफ से इसे पलट के खूब अच्छी तरह से सेकेंगे। पराठे को ऐसे घुमाते रहना है, नहीं तो ये जलने लगेगा एक तरफ से, और पलट पलट के इसे सेकना है। इस तरफ का मेरा अच्छी तरह से सिक गया है, अब दूसरी तरफ देखिए कितना प्यारा कलर आया है। जब नाश्ते की हो जल्दी और टाइम भी हो कम, तो झटपट बनाएं अंडा पराठा, परफेक्ट एकदम। टेस्टी और डिलीशियस पराठा बनके तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।